और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की छह बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियां बनने वाली हैं। तो बिल्कुल, कौन कौन सी वो छह बड़ी खबरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली खबर, पीएम मोदी आज से दो दिन के पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम आज धनबाद के सिंदरी में रैली करेंगे और देर शाम पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। पीएम कल हुगली और नादिया में रैलियों को संबोधित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं और उज्जैन में आज से इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो रहा है। ये समिट दो दिन तक चलेगी जिसमें निवेश को लेकर बड़ी बैठकें होंगी। समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि 10वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। बोर्ड परीक्षा के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम साय आज एमपी के शहडोल के दौरे पर रहने वाले हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आज इसी को लेकर फैसला आना है कि क्या ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के हक में जाएगा फैसला या फिर पूजा पर रोक लगेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम कालिदास एकेडमी में सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू होगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यापार मेला दशहरा मैदान, कालिदास एकेडमी और पॉजिटिविटी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल होंगे, साथ ही 30 फॉरेन डेलीगेट्स भी हिस्सा लेंगे। निवेशकों से मुख्यमंत्री मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों को योजना की राशि भी जारी करेंगे। तो आज काफी कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश में व्यापार मेले का भी आज से शुभारंभ हो जाएगा, कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है जिसमें 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही साथ लाडली बहनाओं को आज राशि जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आज 1 मार्च है और त्योहारों को देखते हुए ही ये फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। वैसे अमूमन लाडली बहना योजना के तहत 10 तारीख को अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, लेकिन आज 1 तारीख को ही लाडली बहना योजना के तहत ये राशि बहनों तक पहुंचा दी जाएगी। और इसके अलावा भी व्यापार मेला है, कॉन्क्लेव है, इसका हिस्सा होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, इन्वेस्टर्स भी आज आएंगे, उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही लाडली बहना योजना के तहत आज बहनों को राशि भी मिल जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आज दोहरी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ लाडली बहना योजना के तहत तो मध्य प्रदेश की तमाम लाडली बहनों के अकाउंट में 1,000 की राशि आएगी, क्योंकि 10 तारीख को आनी थी लेकिन तमाम त्योहार होने के चलते 1 तारीख को आज उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, धार्मिक नगरी उज्जैन में जो है इन्वेस्टर समिट का आज आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट है और इस समिट के जरिए देश के तमाम राज्यों के जो उद्योगपति हैं वो इसमें शामिल होंगे, चाहे लखनऊ के हों, चाहे गुजरात के, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, तमाम राज्यों के जो उद्योगपति हैं उनको इन्वेस्टर समिट में जो है बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, वो इसमें शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश में जो है रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। सरकार उनके सामने प्रस्ताव रखेगी कि हमारे मध्य प्रदेश में आइए, और जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए जमीन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो कंपनियों के लिए ज़रूरी हैं, वो सरकार मुहैया कराएगी। भूमि की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, तो तमाम चीज़ें सरकार मुहैया कराने वाली है। और धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में भी और बॉलीवुड के क्षेत्र में भी सरकार इन्वेस्टरों को जो है आमंत्रित की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार आज जो जिन उद्योगपतियों को इन्वाइट की उनसे आज बातचीत करने वाली है। ठीक है अजय, आप नजर फिलहाल इन तमाम कार्यक्रमों पर बनाकर रखिए, लौटेंगे आपके पास। और फिलहाल आप भी बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे जानकारी लेके।